और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। शबाब, यहाँ पर अब जो आंकड़ा पेश हुआ है वो साफ दिखा रहा है कि कांटे की टक्कर रहने वाली है। अभी इन 9 सीटों पर 149 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया है, ऐसे में उपचुनाव में मौजूदा स्थिति क्या देखने वाली होगी? बिल्कुल, देखिए कल की नामांकन का अंतिम दिन था, शाम 4 बजे तक नामांकन हुए हैं, जिनमें कल सिर्फ अकेले 78 प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। कुल मिलाकर 149 प्रत्याशी 9 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं। अगर इंडिविजुअल एक एक सीट का मैं जिक्र करूं तो सबसे ज्यादा मीरापुर सीट पर हैं प्रत्याशी, 34 प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में हैं, और सबसे कम जो है वो खैर सीट जो है अलीगढ़ की, वहां से 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 34 प्रत्याशी हैं, मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर पर जो है वो 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा अलीगढ़ की खैर सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, मैनपुरी की करहल सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, कानपुर की सीसामऊ सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर 14 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, और मिर्जापुर की मझुआ सीट पर 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। यानी कि ये साफ बताता है कि चुनावी मैदान में बहुत जबरदस्त टक्कर रहने वाली है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी तमाम छोटी छोटी पार्टीज या निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने अपने पर्चे भरे हैं। अब 28 तारीख तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, नामांकन पत्रों को चेक किया जाएगा, स्क्रूटनी होगी उनकी, और अगर किसी भी तरीके से प्रत्याशियों के नामांकन में कोई कमी पाई जाती है तो उनके पर्चों को रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा 30 तारीख को फिर नामांकन जो प्रत्याशी हैं वो अगर कोई वापस लेना चाहता है तो 30 तारीख तक वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद 13 तारीख को मतदान होगा और फिर 23 तारीख को इस पूरे विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना होगी। तो ये साफ तौर से चुनावी जो द्वंद है वो शुरू हो चुका है और राजनीतिक पार्टियों ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। कल चुनाव प्रचार का पहला दिन भी हमें देखने को दिखा, जिस तरीके से करहल में, मैनपुरी में करहल में अखिलेश यादव प्रचार करते नजर आए वहां पर तेज प्रताप यादव के लिए, वहीं दूसरी तरफ कटेहरी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मोर्चा संभाला, वहां पर भी कटेहरी में बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जमकर माहौल बनाया गया। तो साफ तौर से अब राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा जोर आजमाइश का वक्त है। इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बड़ी जनसभाओं की तैयारी कर ली गई है। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक लगभग बीजेपी इस पूरे चुनाव में 40 रैलियां करेगी सभी नेताओं की मिला करके। कुछ यही हाल समाजवादी पार्टी में भी रहने जा रहा है। इस बार अखिलेश यादव के अलावा भी जो उन इलाकों के जो उन क्षेत्र के बड़े नेता हैं उनको भी जो है चुनावी जनसभाओं में मौका दिया जाएगा, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। पूरब की जो सीटें हैं वहां से शिवपाल यादव, माता प्रसाद पांडे और तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं उनकी जनसभाएं हो सकती हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव की भी जनसभाएं होंगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों में बड़े नेताओं की सभी जगहों पर डिमांड है, यानी कि हर जो प्रत्याशी है वो चाहता है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा हो जाए और जो सपा का प्रत्याशी है वो चाहता है अखिलेश यादव की जनसभा हो जाए। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत कम वक्त है। वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए समन्वय समिति एक बना दी है, और इस समन्वय समिति का काम जो है वो यही है कि अखिलेश यादव जहां पर बताएंगे वहां पर कांग्रेस जो है वो उनको सपोर्ट करेगी, वहां पर प्रत्याशी जाकर कैंपेन करेंगे। और देखिए मुमकिन उम्मीद हो सकती है कि कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं उनको कहीं पर प्रचार का जिम्मा दिया जा सकता है, समाजवादी पार्टी के साथ वो मंच को साझा कर सकते हैं। सबसे जो कमजोर कड़ी है पूरे चुनावों में वो बहुजन समाज पार्टी की ही है। हालांकि मायावती की तरफ से अभी भी किसी भी तरह का बहुत एक्टिव प्रचार या फिर बहुत एक्टिव चुनाव अभियान में जुट जाने वाला क्रम जो है वो नहीं दिखता है। ना ही मायावती की तरफ से अभी किसी भी तरह की जनसभा की, मायावती की, आकाश आनंद की बात कही गई है अभी। हालांकि थोड़ा वक्त है, लेकिन बसपा में ये चुनावी शिथिलता जो है वो थोड़ा सा प्रत्याशियों को भी अखर रही है। बिल्कुल, और देखने वाली बात यह है कि खैर सीट जिस पर सबसे कम नामांकन भरा गया है उसमें एक सीट आज दावेदारी पेश की है बसपा की तरफ से। हालांकि अब ये बड़ा द्वंद है, इसकी वानगी यहाँ पर नामांकन से दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाब इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे।